अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने आपको लेक्चर नंबर लैब का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करना है, लैब नंबर 10। तो और हम लोगों ने नेस्टेड लूप जो है फॉर लूप वो एग्जीक्यूट करने थे लास्ट टाइम, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर लूप। तो आज हम लोग नेस्टेड लूप के कुछ प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लोग रन करके देखेंगे वो आप लोगों के पास है प्रोग्राम नंबर 12.39, जिसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ फॉलोइंग आउटपुट। जो आउटपुट आप लोगों ने अपनी बुक में देखना है, जिसमें पहला कॉलम है जीरोस का, दूसरा वन का, फिर फोर का, फिर नाइन का, सिक्सटीन का, फिर 25 का। तो आज हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना है और ये आप लोगों के पास ट्राइंगल फॉर्म बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल्स लेंगे। याद रखिए, आप लोगों के पास जब भी नेस्टेड लूप का कोई ना कोई पैटर्न बनाना होता है, तो उसमें जैसे आप लोग ग्राफ्स बनाते हो, एक वेरिएबल हमें चाहिए होता है रो के लिए, रोज को काउंट करने के लिए, और एक वेरिएबल हमें चाहिए होता है कॉलम्स को काउंट करने के लिए। तो अब हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एंड आई हम लोग देखते हैं रोज के लिए, और एक जे ले लेते हैं कॉलम के लिए। देन आप लोगों के पास, आप लोगों ने अपना पैटर्न जरूर ओपन रखना है अपने पास बुक का। देन एक लूप हम लोग लगाएंगे रोज को काउंट करने के लिए। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, तो उसमें क्या है, आप लोगों के पास हर दफा कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, और इसके अलावा नंबर ऑफ रोज जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। जैसे पहले कॉलम में अगर आप लोग देखें तो जीरोज आप लोगों के पास हैं 6, दूसरे कॉलम में आप लोगों के पास 1 जो प्रिंट हुए हैं वो है 5, तीसरे कॉलम में 4 जो प्रिंट हुए हैं उनके कितनी रोज हैं 4, इस तरह 3, 2, 1। तो रोज के नंबर आप लोगों के पास जो जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। और हर कॉलम में जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम लोग कॉल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले पहला लूप जो हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो आपका आई है। तो आई की वैल्यू आपकी कहाँ से जा रही है, अगर हम लोग देखें ये 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, और देन आप लोगों के पास जिस टाइम पे पहली रो है तो वो सिर्फ एक ही कॉलम प्रिंट करता है, दूसरी रो में वो 2 कॉलम्स पे वैल्यू जाती है, तीसरे में 3 पे। तो रो हमारे पास कितनी है, तकरीबन 5। तो रोज प्रिंट करो 0 से लेके 5 तक हमेशा। आप लोगों को अगर हम लोग लूप मोस्टली 0 से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो 0, फिर आप लोगों के पास आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, क्योंकि पहला जो कॉलम है उसमें देखिए 6 रोज है। तो 0 से 5 कितनी रोज होती है आप लोगों के पास, 6। अगर आप सिर्फ लेस देन का साइन लिखो तो आप 5 की जगह 6 लिख सकते हो। देन आप लोगों के पास आई की वैल्यू क्या होती जाए, इंक्रीमेंट। तो ये तो रोज को काउंट करने, और हर रो में कितने कॉलम हो, तो ये आप लोगों के पास इस लूप की ब्रैकेट, हर रो के अंदर कॉलम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसका कॉलम को काउंट करने का फॉर लूप लगाएंगे। तो सबसे पहले जे, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए आप लोगों के पास, 0 से। देन जे कब तक एग्जीक्यूट करे, जे की वैल्यू आप लोगों के पास एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब तक जे लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या है, आई। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास पहली रो थी तो हमारे पास एक कॉलम था, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम्स थे। तो इसका मतलब है जे की वैल्यू कहां तक जाती है, आई तक जाती है, रो तक जाती है। और जे को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस। अब इस जे के भी अपनी स्टेटमेंट आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे। पहली रो के पहले कॉलम में क्या है, 0 प्रिंट हुआ है, और 0 की वैल्यू, और सबसे पहले देखिए तो जे की वैल्यू क्या आपके पास, 0। तो हम लोग सिंपली आप लोगों के पास 0 को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्रिंट एफ लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, क्या चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हो, एक नंबर है, और उसके बाद टैप का डिफरेंस देंगे क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल हम लोगों ने फॉर्म करनी है। देन ये वैल्यू आए कहां से, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं, जे, और यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनेटर, डन। देन यहां तक इस फॉर लूप की जो भी बॉडी थी वो कंप्लीट होगी हमारे पास।
इस फॉर लूप के अंदर की बॉडी में ये कंप्लीट एक फॉर लूप आ गया। हर कॉलम के बाद रो की वैल्यू चेंज होती है, तो कॉलम वाले रो के अंदर हम लोग बैक स्लैश एन नहीं लिखेंगे, हम अलग से रो के बाद, हर रो के बाद चेंज होनी चाहिए लाइन, तो हम लोग रो वाले लूप में एक और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ आर सिंपली बैक स्लैश एन। तो आप लोग एक रो, एक रो का एक कॉलम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गए, फिर इस रो के दूसरी रो के दो कॉलम एग्जीक्यूट हुए, फिर नेक्स्ट लाइन पे गए, तो जब आप लोग i की जीरो वैल्यू के लिए j की सारी प्रिंट होंगी, जब j के लूप से बाहर आओगे तो आप लोगों के पास सिंपली प्रिंट एफ की लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर दोबारा से j की सारी वैल्यूज i की उस वैल्यू के लिए काम करेंगी, फिर एक दफा आप लोगों के पास क्या होगा, n। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं, तो आप लोगों के पास जो आउटपुट आएगी वो क्या है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी कॉलम की वैल्यू वो नजर आ गया। तो 0 वाला कॉलम तो आ गया, फिर 1 वाला कॉलम भी आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 2 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 4, यहाँ 3 की जगह हमें क्या चाहिए, 9, यहाँ 4 की जगह हमें क्या चाहिए, 16, 5 की जगह हमें क्या चाहिए, 25। तो अगर हम लोग देखें 0 क्रॉस 0 0, 1 into 1 1, 2 2s are 4 होता है, 3 3s are 9 होता है, 4 4s are 16, 5 5s are 25। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपली जे नहीं, जे स्टेरिक जे अगर हम लोग प्रिंट करें तो हमारे पास एग्जैक्टली वो आउटपुट आएगा जो आपका प्रोग्राम नंबर 12.39 है। तो देखिए पहले में हम आगे आपके पास 0s then 1 4 9 16 25। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई मसला, कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जो आपका प्रोग्राम रन करने वाले हैं वो है प्रोग्राम नंबर 12.40, जिसके लिए मैं यहाँ से सिर्फ इसको, आप लोगों ने नया प्रोग्राम लिखना है क्योंकि मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मुझे एक वीडियो का साइज लिमिटेड रखना पड़ता है। तो आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना है, हर एक नए प्रोजेक्ट क्रिएट करके। देन आप लोगों के पास सिंपल 12.40 में क्या लिखा हुआ है कि आपने एक पैटर्न जनरेट करना है, जैसे आप लोगों के पास यहां पे ये 5 स्टेरिक्स फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पैटर्न क्रिएट करना है यूजिंग कोडिंग। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग ब्लॉक यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हुए आप लोगों ने एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह का एक पैटर्न प्रिंट करना है। इस पैटर्न में भी आप देखें तो पहली रो, दूसरी रो, थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ, इसका मतलब है 5 रोज है और कितने कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब 5 रोज 5 कॉलम। इसका मतलब है हम 2 वेरिएबल्स देंगे, एक रोज को काउंट करेगा, एक कॉलम को। तो फॉर एग्जांपल ये पहली रो है, ये रो 1 है, तो देखिए तो रो 1 होगी आप लोगों के पास, फिर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो रोज की इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास। देन आप लोगों के पास अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट कॉलम 2 3 4, हम एक लूप ये ले सकते हैं जो रो को काउंट करे और उसी के अंदर पहली रो आर आई की वैल्यू, हम रो को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई की वैल्यू जब आपके पास 1 हो तो आपके पास जे की वैल्यू कहां तक जाए, 1 2 3 4 5, मतलब 0 से लेके
4 तक। जब आप लोगों के पास i की वैल्यू है 2k इक्वल, तो j की वैल्यू भी फिर दोबारा 0 से 1, 2, 3, 4 तक जाए, फिर इस तरह। तो अगर हम i को 0 से स्टार्ट करें तो रो 0, रो 1, 2, 3, 4, ये हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब i की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी, और कब तक एग्जीक्यूट करो, जब तक ये 4 तक है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 है, और कॉलम की वैल्यू हर दफा 0 से लेके कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। तो अब हम इसका प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिखते हैं। ये अभी तक मैं सिर्फ रफ वर्क आपको बताई थी, जो पेपर पे आप लोगों ने करना है समझने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे int i और j ले लेते हैं। पहले हम लोगों ने फॉर लूप एग्जीक्यूट करना है i के लिए, तो i इक्वल्स टू 0, देन i इज लेस देन इक्वल्स टू 4, और सिंपली i प्लस प्लस। तो ये रोज की वैल्यू के लिए हम लोगों ने i ले लिया, हर रो के अंदर j ने भी 4 टाइम्स चलना है, तो उसके लिए काउंट करने के लिए भी हम लोग लूप लिखेंगे। तो j की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ सकती है, j इज इक्वल्स टू 0। अब j की भी वैल्यू हमें पता है कि वो 4 तक चलनी चाहिए, इक्वल लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, और फिर आप लोगों के पास j प्लस प्लस। और हर दफा एग्जीक्यूट क्या करो, प्रिंट f, सिंपली आप लोगों के पास यहां पे आप लोग j प्रिंट करना चाह रहे हो तो परसेंटेज d यूज करो, क्योंकि j इंट है, और टैप का डिफरेंस हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम भी दिया था, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो रीडेबल फॉर्म में हो, और सिंपली j कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जब i की एक वैल्यू के लिए j की सारी एग्जीक्यूट हो जाए, j का लूप खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट लाइन में जाओ और फिर i की नई वैल्यू के साथ j की सारी वैल्यूज को एग्जीक्यूट करो। तो आप लोगों के पास ये पैटर्न जनरेट होगा। लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि हमारे पास प्रॉब्लम आ क्या रही है। अभी मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखना आप लोगों को वो इन आउटपुट नजर नहीं आएगा जो 12.40 का है। हमने क्या मिस्टेक की, हम लोग ये देखते हैं। देखिए आप लोगों के पास 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, क्या पैटर्न चाहिए था, हमें स्टेरिक्स करने थे। हमने कहा क्या करना है, अब इस जगह पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना था कि आप लोग स्टेरिक लिखो। अब j की वैल्यू, हर दफा j की वैल्यू नहीं आती, आपने जो प्लीज प्रिंट करनी होती है, अगर या तो वो कैलकुलेट होकर प्रिंट होती है, और अगर इस तरह का स्टेरिक हो या कोई भी स्पेशल करेक्टर हो, तो आप लोग डायरेक्टली उस करेक्टर को टाइप करते हो। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें, तो देखिए आपका जो भी रिक्वायर्ड पैटर्न था वो आप लोगों को नजर आ जाएगा। बीच में अगर आप लोग स्पेसेस देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो है आप लोगों के पास प्रोग्राम नंबर 12.42। तो उसमें भी आप लोगों ने नेस्टेड लूप यूज करने हैं, लेकिन उसमें सबसे जो बात डिफरेंट वो ये है कि क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग यूजिंग डू व्हाइल लूप। आप लोगों ने डू व्हाइल लूप यूज करते हुए जो पैटर्न है उसको जनरेट करना है। और पैटर्न आप लोगों के पास क्या है, 4, देन आप लोगों के पास 3, देन आप लोगों के पास 2, देन क्या है 1। तो अब हमें ये पैटर्न एग्जीक्यूट करना है बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो अगर इस तरह का पैटर्न है, इसको आप लोग ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो जिससे ये पैटर्न जनरेट हो यूजिंग डू व्हाइल लूप, तो अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये तो रफ वर्क है जो मैं बताया था हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो सबसे पहले इसमें भी रोज और कॉलम्स हैं, तो अब हम लोग जरूरी नहीं आई और जे लें, हम लोग एंड एम कॉमा एन भी ले सकते हैं। देन आप लोगों ने, क्योंकि वैल्यू स्टार्ट करनी है रोज और कॉलम्स की, तो हम लोगों ने देखा था ये 4, 3, 2, 1, तो सबसे पहले 4 आ रहा था, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम लोग ये कर सकते हैं, m की वैल्यू हम लोग 4 से स्टार्ट कर सकते हैं,
अगर हम लोग देखें जिस टाइम पे फोर है तो फोर के फोर कॉलम्स एग्जीक्यूट होंगे, रो अगर फर्स्ट है तो चारों कॉलम, फिर सेकंड है तो तीन, फिर दो, फिर एक। तो इसका मतलब है हम लोग डिक्रीमेंट का एक लूप लगा सकते हैं। मतलब मैं फोर सबसे पहले, जैसे मैं यहां पे लिख सकती हूँ ना रफ वर्क में, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर। जैसे रो वन टू थ्री फोर करूं तो भी चार रोज होंगी, और अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ फोर थ्री टू वन तो भी वो चार ही होंगी। तो अगर मैं पहली रो का नेम फोर रख दूं और मेरे को अगर फोर है तो जे की वैल्यू भी आई तक लेके जाओ, इसका मतलब क्या है, फोर तक लेके जाओ और जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो या आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। सिंपली हम लोग बेसिकली आई जे में से बोलूं कि मैं भी आपको रोज एंड कॉलम्स उससे बताई थी। अभी हमारे पास एम रोज को काउंट करने के लिए, एन कॉलम्स को काउंट करने के लिए। तो अगर हम लोग एम की वैल्यू सबसे पहले लें फोर, फिर m की वैल्यू हम लोग लें क्योंकि वो रोज को काउंट करने के लिए थ्री, फिर हम लोग लें टू और फिर हम लोग लें वन। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं m की वैल्यू फोर से स्टार्ट करो, तब तक m की वैल्यू चेंज करो जब तक वो ग्रेटर देन इन इक्वल टू वन है, और हर दफा m को डिक्रीमेंट कर दो तो रोज हमारे पास आ जाएंगी। और हर रो में जो कॉलम की वैल्यू है आप लोग उसको भी देख सकते हो, उसको भी सिंपली चेंज कर सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं वो किस तरह से करना है। होपफुली आपको रोज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देन एम फोर से स्टार्ट किया क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे डू वाइल से करना है, तो डू फिर ब्रैकेट। अब डू में हम लोगों ने करना क्या है, जो भी मेरे पास एम की वैल्यू है देखिए वही है, जब मैं फोर करती हूं तो वो कॉलम में भी फोर प्रिंट होता है, जब मैं थ्री करती हूँ एम की वैल्यू तो कॉलम में भी थ्री प्रिंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, एन इज इक्वल टू एम है, जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो। उसके बाद मैं दोबारा से, क्योंकि नेस्टेड डू वाइल से करना है तो मैं दोबारा से डू वाइल लगा सकती हूँ, और उसमें मैं क्या प्रिंट करूंगी, सिंपली आप लोगों के पास परसेंटेज डी और स्लैश डी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करो एम की, क्योंकि अब दोनों इक्वल हैं तो आप लोग एम की कर सकते हो। होपफुली यहां तक क्लियर है। देन आप लोगों के पास यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा है, प्रिंट एफ नहीं लिखा। देन आप लोगों के पास हम लोगों ने एन को वैल्यू दे दी, फिर एम को यूज भी कर लिया, हम लोग एन को डिक्रीमेंट कर देते हैं कि एन की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि ये मैंने स्पेसिफिकली ये लूप किसके लिए था, एन के लिए। अब यहाँ पे वाइल की कंडीशन आएगी क्योंकि ये डू वाइल है, तो वाइल की कंडीशन में हम लोग जब तक एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और जो भी आप लोगों के पास डू वाइल होता है उसके बाद उसकी कंडीशन के बाद टर्मिनेटर मस्ट यूज होता है। देन अब बाहर वाले लूप में हम लोगों ने कंडीशन में भी क्या यूज करना है, एम। तो सिंपली नेक्स्ट लाइन हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, और m को क्योंकि फोर थ्री टू वन आना है तो माइनस माइनस कर सकते हैं। देन आप लोग इस वाइल को भी, m को भी कहां तक एग्जीक्यूट करना है, जब तक वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। यहां तक क्लियर है। देन आप लोगों के पास गेट सी एच, और यहाँ पे भी मैंने प्रिंट एफ लिखना था, यहाँ तक आ गया। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिला या नहीं, तो देखिए जो आउटपुट हम लोग कहे थे फोर थ्री टू वन, हम लोगों ने यूजिंग नेस्टेड डू व्हाइल लूप जो है वो जनरेट किया। आप लोगों के पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप लोग जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लोगों के पास डिफरेंट पैटर्न है जिनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, आप लोग बुक से देखो, उनको ड्राई रन करो, आई की जे की एम की एन की क्या वैल्यूज आती हैं, कोई मसला कोई इशू तो आप लोग अपने डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हो।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको कोई भी इशू है वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।